हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल जैमनी आर्किटेक्चर में स्वागत है। आज हम सेट प्रो V8i की सीरीज का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगे। लेट्स स्टार्ट। ज्योमेट्री मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, क्या हैं आपके, सारे मॉडलिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब जैसे आपको नोट बनाना था तो नोट का टेबल आता था, यही चीज। स्नैप नोट भी यही चीज आता था, यहाँ से आया, या स्नैप नोट भी यहाँ से आया। बात देखी है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, स्नैप नोट के अंदर यही कमांड एक जगह से नहीं, कई जगह से आया। ज्योमेट्री में जाओ, इंसर्ट मोड बता ही दिया हमने। ठीक है, एक आता है ऐड, ऐड व्यू में केवल आपने पॉइंट टू पॉइंट ऐड खत्म कर लिया। ठीक है, ऐड व्यू में आपने जो यूज किया है यहाँ पे वो पॉइंट टू पॉइंट है बस। ठीक है, देखो ऐड व्यू में भी कई तरह के बीम्स आते हैं। एक आता है ऐड व्यू फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, किसी भी दो पर्टिकुलर नोड के बीच में अगर आपको व्यू को ऐड करना है तो ऐड व्यू फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट आप जाके कर सकते हो। कर दिया हूँ, जैसे मान लो मुझे यहाँ से करना है, यहाँ पर कर देना। इसी तरह आप ज्योमेट्री में जाते हो, ऐड व्यू के अंदर आता है ऐड व्यू बिटवीन द मिड पॉइंट। जैसे आपको यहाँ पे मिड पॉइंट पे नोड इंसर्ट करना, सॉरी बीम लगाना था, तो आपने क्या किया था, पहले नोड को इंसर्ट किया था, देन उसके बीच में बीम को ऐड किया था। आपके पास जो यहाँ पर ज्योमेट्री की सॉरी के अंदर ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट था, अगर आपने ये ले रखा है, ठीक है, तो आप कहीं पर भी क्लिक करो, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसका मिड पॉइंट ही सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर मैंने नोट इंसर्ट किया था, आप किसी को सेलेक्ट करो वो ऑटोमेटिक उसका मिड पॉइंट ही ले लेगा। ठीक है, किसी को सेलेक्ट करोगे तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसका मिड पॉइंट ही ले लेगा। इसी तरह ज्योमेट्री में हम जाते हैं ऐड बीम के अंदर, तो आता है ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। ये क्या करेगा कि जिस नोड से अगर आप कहीं पर सेलेक्ट कर रहे हो, अगर वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, बीम ऐड होगा, लेकिन ये 90 डिग्री पे कर नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ मुझे यहाँ पे लगानी है तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। एक आता है ऐड बीम कर्व बीम। ठीक है डियर फ्रेंड्स, दिस इज अवर यूट्यूब चैनल। If you like this video, please subscribe our channel, press the bell icon, and this is our website germanyarchitecture.com, and these are the courses we are provide trainings on the software as well as interior designing architectural diploma. So hope you like this video. Let's start. Add curve beam. If you like curve beam, if you want to add, then you can use it. So curve beam will look like this. So, suppose I want to put curve beam in these two points. या बालकनी की तरफ भी डालना होता सपोज, तो आपसे पूछेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कितना रखना चाहते हैं। दूसरा आता है गामा एंगल। गामा एंगल सपोज दैट कि एक मेरा नोड ये था और दूसरा नोड मेरा ये था और इसके बीच में बस ऐसे बीम आ रहा था। ठीक है, तो गामा एंगल होता है जब जीरो पे ऐसे रहेगा, 90 पे ऐसे जाएगा, 180 पे ऐसे जाएगा, 220 पे ऐसे, और अगर 360 पे ऐसे क्लॉक वाइज ये रोटेट करता रहेगा। तो अगर आपने जीरो लिया है तो ये क्या होगा, देखो ऊपर की तरफ हो जाएगा। यही चीज़ अगर हम कर देते हैं 180 तो ये चला जाता आपके नीचे की तरफ। ठीक है, राइट। लेकिन अब देखो गा कर्व बीम तो ऐसा बन जाएगा, बट कर्व बीम पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो कर्व बीम पे क्या है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कर्व बीम पे केवल आप दो ही नोड लगा सकते हो, एक सेल्फेट और यूडीए। कर्व बीम में आपको मेंबर स्पेसिफिकेशन यूज नहीं कर सकते, कर्व बीम में कोई रोटेशन वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ज्योमेट्री में चलते हो, ऐड प्लेट बता ही रखा है आप लोगों को, सॉलिड आपके काम का नहीं है। ठीक है, सरफेस बता दूंगा जब पता होगा, सरफेस कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर सरफेस लगाना है, ठीक है, तो जैसे प्लेट लगा रहे थे वैसे आप सरफेस लगा रहे, तो यहाँ पर सरफेस लग गया, देखो जैसे प्लेट लगा रहे थे वैसे सरफेस लग गया। और जहाँ पर सीयर वॉल की डिजाइनिंग करनी होगी वहाँ पे हम सरफेस लगाएंगे। ज्योमेट्री में चलते हैं, क्रिएट कोलिनियर व्यूज। ये क्या होता है कि जैसे आप स्टार्टिंग में नोड्स इंसर्ट कर रहे थे
और नोड के बीच में क्या कर रहे थे, बीच को कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आपने एक लाइन में जो भी नोड इंसर्ट किए, अगर आपको उस कोलिनियर व्यूज बना रहे थे तो आप उन नोड को सेलेक्ट करो, क्रिएट कोलिनियर व्यू बना दो, क्या होगा एक डायरेक्शन में सबसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे व्यू कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्रिएट बी में लॉन्ग एक्स वाई जेड आपको बता ही रखा है, क्रिएट इनपुट प्लेट भी आपको बता ही रखा था मैंने, ठीक है। एक आता है क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडल, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एडवांस मेसिंग टूल है, ठीक है। जैसे आप लोग प्लेट यूज कर रहे थे तो प्लेट को क्या कर रहे थे, मेस कर रहे थे। अब ये आपका एडवांस मेसिंग टूल है, कैसे कि अगर आप क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडलिंग करते हो, जैसे मान लो मुझे किसी प्लेट को मेस करना है, ठीक है, और उसके अंदर ओपनिंग वगैरह प्रोवाइड करना है, ओपनिंग डालनी है, तो आप क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडलिंग यूज करके कर सकते हो। कैसे, क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडल, ठीक है। आपको यहाँ पर जो भी देना है नाम दे दो, ठीक है। और मान लो मुझे जिस ब्लॉक एरिया के अंदर आपको लगाना है प्लेट, आप सेलेक्ट करो, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मुझे प्लेट लगाना है, आप हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देर आता है आप नंबर ऑफ, अभी पूछता है आपसे डू यू वॉन्ट टू एड ओपनिंग, आप ओपनिंग ऐड करना चाहते हैं, यस। तो आपसे पूछेगा पॉलीगोनल करना चाहते हैं या सर्कुलर करना चाहते हैं, मैंने बोला सर्कुलर करना है, सर्कुलर करना चाहते हैं तो पूछेगा कि रेडियस बताओ, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन अलाउंग सर्कमफेरेंस, तो जितना ज़्यादा सर्कमफेरेंस बढ़ाएगा तो जितना ज़्यादा सर्कुलर बढ़ जाएगी, ठीक है, हो गया। देन क्लोज मार्क मेश, और अगर आप जाके आप देखते हो तो आपका देखो ये मेसिंग हो गया, और साथ के साथ क्या हो गया आपके प्लेट्स में ओपनिंग वगैरह भी आ गया। इसी तरह हम ज्योमेट्री में चले तो एक आता है ट्रांसलेशनल रिपीट आपने यूज कर रखा है, सर्कुलर रिपीट आपने यूज कर रखा है, जनरेट सरफेस मेसिंग यूज कर रखा है, आपने जनरेट प्लेट में यूज कर रखा है, स्लैब वॉल कलेक्शन आपका है, मूव, क्योंकि अगर किसी मेंबर को मूव करना हो, किसी बीम को मूव करना हो, सेलेक्ट कर लो ज्योमेट्री में जाओ, और आप उसको मेंबर को मूव करना चाहते हो, जहाँ पर मूव करना चाहते हो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या होगा, वो मूव कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह रोटेट, अगर आपको रोटेट करना है, ठीक है, तो रोटेट सेलेक्ट कर लो, जितना रोटेट करना है आप रोटेट कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मुझे इस मेंबर को थोड़ा सा रोटेट करना है, सेलेक्ट कर लिया, ज्योमेट्री में गए, रोटेट, अब किस किस नोड के थ्रू रोटेट करना है, बोला इस नोड के थ्रू और इस नोड के थ्रू रोटेट करना है, इतना डिग्री से करना है, आप एंगल दे दो, मूव करना है या कॉपी करना है, बोला मूव करना है, तो मूव हो जाएगा, पर प्लेट हमने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है, क्लियर। इसी तरह आता है सेलेक्ट के अंदर, आप जाओगे मिरर, आप लोगों को बता ही दिया था मैंने, स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर, किसी मेंबर को स्ट्रेच करना हो तो आप कर सकते हो, लाइक अब इसके सपोज दैट इंड नोड को मुझे स्ट्रेच करना है, ठीक है, तो ज्योमेट्री में जाओ, आपके पास आता है स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर, तो आप कैसे करना चाहते हो, मेंबर नंबर आपने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, टू अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, सपोज दैट यहाँ पे बीम है और इसके पॉइंट को यहाँ तक मुझे स्ट्रेच करना है, तो इस पॉइंट का आपको क्या देना है, एक्सरसाइज देना है। दूसरा आता है ई थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब इसके स्टार्ट नोड या इन लोग को स्ट्रेच करना है, इन नोड को कहाँ तक स्ट्रेच करना है, ये आपको सिंपल डिस्टेंस देना है, सपोज दैट मैंने बोला कि इन नोड को करना है और 2 मीटर स्ट्रेच करना है, तो अप्लाई तो क्या होगा 2 मीटर स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री में जाओगे तो आता है इंटरसेप्ट सेलेक्टेड मेंबर, 2 मेंबर को अगर इंटरसेप्ट कराना हो तो, जैसे मान लो ये दोनों मेंबर हैं और इन दोनों को अलग अलग भी मेंबर हैं, अगर आप देखोगे तो ये मेंबर अलग है और ये मेंबर अलग है, अगर इन दोनों को मुझे इंटरसेप्ट कराना है तो सेलेक्ट कर लो, ज्योमेट्री में जाओ, इंटरसेप्ट सेलेक्टेड मेंबर, ओके, इंटरसेप्ट, तो क्या हुआ, देखो आपका ये अलग अलग भी इंटरसेप्ट हो गया। इसी तरह आता है आपके पास ज्योमेट्री में जाओगे तो मर्ज सेलेक्टेड मेंबर, ये 2 मेंबर को मर्ज करना, तो आप जिन मेंबर्स को मर्ज करना सेलेक्ट कर लो, ज्योमेट्री में जाओ, मर्ज सेलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि मेंबर नंबर 174 है और 257, अब आपको किसको रखना है और किसको मर्ज करना है, मैंने बोला 174 को रखना है मर्ज, ओके। अब जाके देखोगे तो ये तो एक बीम हो गया, लेकिन ये आपका अभी भी अलग अलग बीम है, क्लियर। इसी तरह आप ज्योमेट्री में जाओगे तो आपके पास आता है मर्ज सेलेक्टेड नोड, कि 2 नोड को एक में मर्ज करना होगा, जैसे मान लो ये 2 नोड है, नोड नंबर
136 और नोड नंबर 20, आप इनको भी एक में क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो ये पूछेगा कि कितने को नंबर को रखना है, ओके, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको मर्ज होंगे। जोमेट्री में जाओगे, आपके पास आता है वही नंबर ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए भी बता दिया आपको। ब्रेक बीम्स आर सेलेक्टेड नोड, कि किसी पर्टिकुलर नोड पे किसी बीम को ब्रेक करना है। जैसे मान लो ये वाला बीम है, सपोज दैट ये वाला बीम है बड़ा वाला, और मुझे इस नोड पे इसे ब्रेक कराना था, तो तोड़ना था ब्रेक इंटर सेलेक्टेड वन बीम। तो अब जाके देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑलरेडी ये अब ये ब्रेक हो गया, ठीक है। देन लास्ट में रन इंस्ट्रक्शन इज ऑलरेडी बता दिया, सेलेक्ट कर लिया हमने, देखो आता है एडिट, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तो क्लियर है। इनपुट कमांड है, ये भी आपको बता ही दिया था। एक आता है टेक पिक्चर, एक आता है कॉपी पिक्चर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो टेक पिक्चर अगर आप करते हो तो डायरेक्ट आपके ये सैड के रिपोर्ट में जाएगा, ठीक है। और कॉपी पिक्चर करते हो तो आप इसको बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स पे अपने पिक्चर्स को कॉपी कर सकते हो। पिक्चर मीन्स जो विंडो पे आप पिक्चर ऑन करके रखोगे। तो टेक पिक्चर कहने का मतलब रहता है कि आप अपने मोबाइल में क्लिक करते हो फोटो, तो क्या जाता है आपकी गैलरी में जाता है, ठीक है। और अगर मान लो उसी पिक्चर को मुझे अपने एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड वगैरह में कहीं पर कॉपी करना है तो आप यूज करोगे कॉपी पिक्चर, ठीक है। देखो अब जैसे मैं टेक करता हूँ टेक पिक्चर, ये यहाँ से भी आएगा आपके, या राइट क्लिक करोगे तो भी आएगा। मैंने किया टेक पिक्चर, टेक पिक्चर किया होल पिक्चर, एक ये पिक्चर चला गया, टॉप किया अगेन टेक पिक्चर, ये भी एक पिक्चर चला गया मेरा। और सपोज दैट ये मैंने एक टेक पिक्चर कर लिया, तो पिक्चर नंबर 3 दिखा रहा हूँ आपको, ये भी चला गया, इसका फ्रंट भी किया और ये भी पिक्चर मैंने क्या कर दिया, एक मैंने डाल दिया टेक पिक्चर, ये भी चला गया आपका। इसी तरह टॉप भी इसे करना है, ठीक है, तो आप इसको कर दो टेक पिक्चर, तो ऑटोमेटिक आपके पिक्चर्स आपके क्या होगा। अगर आप टेक पिक्चर कर रहे हो तो आपका सारा चला जा रहा है आपके हिस्ट्री में, आपका सारा जा रहा है आपके स्टार्ट के रिपोर्ट में, ठीक है। और कॉपी पिक्चर करोगे, टेक पिक्चर आपको यहाँ से मिलेगा, और कॉपी पिक्चर करके क्या सकते हो, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे रिपोर्ट वगैरह बनाना है तो। देखो देन आता है यहाँ पे आपका व्यू, ठीक है, एडिट देख लीजिए, व्यू है आपके पास। व्यू के अंदर जूम समझ में आता है, पैन समझ में आता है, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी हमें बता दिया आपको। एक आता है ऑलवेज फिट इन करंट विंडो, ठीक है, ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे देखो अभी आप लोग रोटेट कर रहे हो अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है, रोटेट कर, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर आपका रोटेट कर रहा है। लेकिन मान लो मुझे अभी क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था, तो ऐसे रोटेट हो रहा है, लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर नोड से इसको रोटेट कराना है, तो होता है आपका ऑलवेज फिट इन करंट विंडो, या आप यहाँ पे जाओगे टॉगल व्यू तो भी आपसे आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि आप नोड सेलेक्ट करो, तो नोड कैसे सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के आप नोड को सेलेक्ट करोगे। तो अगर आप रोटेट करते हो तो देखो, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाओ और जिस नोड को सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, तो ये टॉगल कर लेगा, ठीक है। या आप यहाँ से जब भी जाओगे तो भी वही ऑप्शन आएगा, ठीक है, ध्यान रहे। देन आता है आपका व्यू के अंदर टेबल्स। अभी तक क्या होता है आपके पास, देखो ज्योमेट्री इन सबके टेबल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या होता है, इतने सारे मेंबर्स के टेबल्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर ये सारे टेबल्स आप फॉर्म कर दोगे तो आप विंडो पे काम कहाँ करोगे, इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं कि वो नोड और बीम का टेबल ऑन करके रखते हैं। अदरवाइज इन सबको आप टिक कर दो तो क्या हो जाएगा, ये सारे आपके टेबल आपके ऐसे विंडो पे आ जाएंगे, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। ये आता है आपका टेबल्स, देन आता है होल स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ठीक है। देन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहने का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट अभी आपका व्यूज क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू, आप कितने कितने एंगल पे देख रहे हो, एलिवेशन, रोटेशन एंगल कितना है, स्पिन एंगल कितना है, ये सारा चीज़ें अगर इनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मत करना, ठीक है। देन आता है व्यू के अंदर स्ट्रक्चरल डायग्राम, ठीक है, स्ट्रक्चरल डायग्राम यहाँ से भी आएगा, या राइट क्लिक करके आप लेवल्स में जाओगे तो भी आपका आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो जैसे बीम का सेक्शन कैसे दिखाना चाहते हो, प्लेट का कैसे दिखाना चाहते हो, सॉलिड्स को कैसे दिखाना चाहते हो,
ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे दिखती है, प्लेट का डिफॉल्ट प्लेट कलर, बीम का डिफॉल्ट बीम कलर, ये सारा चीज़ यहाँ से आ जाएगा। बीम का कलर वगैरह सारा चीज़ आप चेंज कर सकते हो। देना था फुल सेक्शन देखना चाहते हो तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर देते हो, आपको ये फुल सेक्शन में भी दिखता रहेगा। बट ऐसे वर्किंग करना काफ़ी टफ हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं, हम लाइन डायग्राम के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, स्केल्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है, प्लेट स्ट्रेस कंट्रोल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है सारी चीज़ें। ठीक है, आगे हम चलते हैं व्यू के अंदर, तो आता है ओपन व्यू, न्यू व्यू, व्यू मैनेजमेंट। आप क्या कर सकते हो, अपने व्यू को सेव भी करके रख सकते हो। जैसे मान लो इस व्यू को मैं सेव करके रखना चाहता हूँ, तो व्यू में जाओ, पहले आप क्या करो, व्यू के अंदर सेव व्यू करो और जो भी इसका नाम देना चाहते हो आप दे दो। ठीक है, तो अब आप जाते हो व्यू के अंदर, तो देखो आपका ओपन व्यू, अगर आपने व्यू सेव कर रखे हैं तो आप उनको व्यूज को ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर उसको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो अब। ठीक है, इसी तरह आता है टूल बार्स। टूल बार्स कहने का मतलब है ये सारा आपका टूल बार्स होता है, मैंने पहले भी बताया था। अब इनमें से किसी का सपोज दैट कभी कोई टूल बार्स नज़र ना आए, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ से डीएक्टिव होगा। देखिए तो जो चीज़ें यहाँ से ऑफ होंगी आपको वो नहीं दिखेंगे। ठीक है, एक आता है शो टूल टिप। अभी आप जाते हो हर एक स्ट्रक्चर पे आपको ये क्या दिखा देता है, टूल बार्स का नाम दिखा देता है। शो टूल टिप अगर आपका ऑफ रहेगा तो वो नाम वगैरह नहीं दिखाएगा। ठीक है, एक आता है कुल लुक। कुल लुक कहने का मतलब लुक चेंज कर देगा बस, और कोई यूज नहीं है इसका। ठीक है, अगेन हम चलते हैं आगे व्यूज के अंदर, तो हमारे पास आता है ऑप्शंस। टूल बार देख लिया, ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है कि जैसे इनके बीम का, इनके वेल्डिंग मोमेंट, इनके सीआर फोर्स, इनका कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे बीम के लेवल्स वगैरह, प्लेट्स के लेवल, कलर वगैरह। लेवल आप लोगों ने ऑटो कलर में लेवलिंग्स पढ़ा होगा, ठीक है, कि लेवल क्या होता है कि कलर डायमेंशन वगैरह चेंज करने, उनके स्टाइल वगैरह, तो सारी चीज़ें, तो यहाँ से सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप पूछ रहे थे उनकी ना, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मन है तो चेंज कर करके देख लेना, बट मत करना। व्यूज़ के अंदर आता है सेट स्ट्रक्चर कलर्स, कि जैसे बीम का क्या कलर रखना चाहते हो, फोर्सेस के, बेंडिंग मोमेंट, सीयर फोर्स का जो कलर वगैरह चेंज करना चाहते थे वो सारा चीज़ यहाँ से आएगा। एनालिसिस रिजल्ट के अंदर किसका, जैसे फोर्सेज है, इनके कलर या रिजल्ट्स वगैरह आ रहा है, इनके कलर चेंज करना चाहते हो, सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। मत करना इन सब चीज़ों को, कोई यूज नहीं है। ठीक है, सेट स्ट्रक्चरल टूल टिप्स ऑप्शन क्या होता है कि अभी आप देखो, जैसे बीम कर्सर या नोड कर्सर है ले जाते तो क्या दिखा रहा है, बीम नोड नंबर वन और उसका कोऑर्डिनेट, या बीम पे ले जा रहे हो तो उसका दिखा रहा होगा बीम नंबर। देखो आप एडिट सॉरी व्यू के अंदर स्ट्रक्चरल टूल टिप्स ऑप्शन में जाते हो तो बीम के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हो, कर्सर, बाय यूजिंग द कर्सर। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ऑन करते हो तो बाय यूजिंग द कर्सर ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। वो क्या करेगा, सिंपल आप कर्सर ले जाओ, अब देखो आप कर्सर ले जाओगे तो क्या क्या चीज़ दिखाएगा। अगर रिजल्ट रहता है आपका, एनालिसिस हो रखा, तो ये सारा चीज़ यहीं पे दिखा देता है। ठीक है, बट हमारा अब क्या होगा कि इतना ज़्यादा यूज आएगा ना, मतलब वैसे हम सही नहीं रहता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से ऑफ करके रखते हैं। जो रिक्वायरमेंट आप यहाँ से ऑन करके रख सकते हो, तो आपके और बीम नंबर दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह आता है आपका व्यू के अंदर हाइड मोड बार। ये आपका मोड बार होता है, अगर इसको हाइड, ये मोड बार होता है ना, अगर आपको इसको हाइड करना है तो हाइड हो जाएगा, और अगर दिखाना है तो दिखा देगा। इसी तरह व्यू के अंदर थ्री डी एंट्री ऑलरेडी और रिफ्रेश पता ही आपको। ठीक है, देन हम चलते हैं टूल बार्स। तो टूल बार्स के अंदर स्टार्टिंग में जो भी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये सारा मॉडलिंग करने के बाद मॉडल को चेक करने का तरीका है कि लाइक आपके बीम में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स कितने हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके बीम में डुप्लीकेट नोड या डुप्लीकेट बीम्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक करोगे। डुप्लीकेट नोड तो नहीं है, डुप्लीकेट बीम तो नहीं है, डुप्लीकेट प्लेट्स तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर डुप्लीकेट नोड बीम वगैरह कुछ भी रहता है तो ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स को एरर दिखाते हैं। तो मॉडलिंग करने के बाद ये सारे चेक समय पर लगाने होते हैं। चेक जीरो लेंथ मेंबर, ऐसा तो नहीं कि कोई जीरो लेंथ मेंबर है मेरे को। ठीक है, तो ये सारा चेक आप यहाँ से लगा देंगे।
टूल्स के अंदर जो यूज आएगा आपका डायमेंशन बीम्स डिस्प्ले नोड टू नोड यूनिट कन्वर्टर और आपका कैलकुलेटर वगैरह सारा चीज़ आपको पता ही है। डिस्प्ले नोड टू नोड मूव सेट करंट इनपुट यूनिट्स, अगर आपको यूनिट्स चेंज करनी है लाइफ इंश्योरेंस जैसे आप पूछ रहे थे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप टूल्स में चलते हो तो आपका आता है पार्ट सेक्शन वगैरह, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, क्रिएट न्यू ग्रुप बता दिया, इंसर्ट टेक्स्ट बता दिया, यही चीज़ें आपके यूज आएंगी और नहीं आएगा। ज्योमेट्री ऑलरेडी बता दिया, सेलेक्ट ऑलरेडी बता दिया, देन आता है कमांड, ठीक है। कमांड्स में ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से है, ठीक है, जो चीज़ें अभी तक आप यूज कर रहे थे वही चीज़ें हैं। जैसे ये प्लेट थिकनेस आपको अगर यहाँ से लाना है तो आप ला सकते हो, अदरवाइज हम क्या ला रहे थे, यही चीज़ें अभी तक जाके ज्योमेट्री जनरेट और थिकनेस से ओपन कर रहे थे, ठीक है। यही चीज़ आपके कमांड में सरफेस थिकनेस आती है, मेम्बर प्रॉपर्टीज वगैरह आता है, तो ये चीज़ें यहाँ से भी आती है, जो चीज़ें आपको वहाँ मिल रही थी। देख आता है एनालिसिस आपको पता ही है, ठीक है। मोड आपको पता ही है कि यहाँ से काम करो ये मोड चेंज करो या यहाँ से चेंज करो, ठीक है। जैसे पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीज़ें, तो जो मोड बारे में यहाँ दिख रहा होगा वही चीज़ें यहाँ दिख रही है। विंडो के अंदर क्या होता है, विंडो के अंदर कुछ नहीं है, लाइक जैसे विंडो कैसा रखना चाहते हो, ठीक है। देन आता है हेल्प, हेल्प भी आपका बहुत यूजफुल है। आप क्या कर सकते हो, सिंपल कंटेंट में जाओ, कंटेंट में जाने के बाद क्या करो कि यहाँ पे आता है सर्च, ठीक है। तो सर्च में आपको जो भी चीज़ें डाल पढ़नी है, जैसे मान लो मुझे सेलेक्ट मेनू पढ़ना है तो आप डालते हो यहाँ पे सेलेक्ट मेनू, पूरा स्टैट इसके अंदर है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल कर दो लिस्ट टॉपिक्स, तो ये आपको देखो बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी उससे रिलेटेड, कैसे यूज होता है, क्या होता है, सारा चीज़ आ जाएगा, पूरा स्टैट कर सकते हो बिल्कुल। ये तो एक टॉपिक से रिलेटेड इतना चीज़ है, यही चीज़ नहीं। अगर आप इसके जाते हो कहाँ कंटेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर आता है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। देखो एग्जांपल्स आते होंगे, कहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन एग्जांपल्स, ठीक है। तो अमेरिकन है और ब्रिटिश है, ब्रिटिश एग्जांपल्स को खोल दो आप, ठीक है। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो देखो सारा चीज़ कैसे होता है, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। सब इनपुट कमांड फाइल जो आपको एडिटर के अंदर बताया है, इसका भी यूज आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। देन आता है एक आपका रिपोर्ट जनरेशन, फाइल में आप जाओगे तो यहाँ का आता है रिपोर्ट जनरेशन, ठीक है। तो हम कर लेते हैं पहले रिपोर्ट सेटअप, ठीक है। तो आप रिपोर्ट के अंदर देखो, एक आता है यहाँ पे पिक्चर एलबम्स, ठीक है, कि कौन कौन से आपके पिक्चर थे, तो जो भी आपने पिक्चर सेलेक्ट किए थे आपको यहाँ पे वो दिखेंगे, मैंने आपको बताया। यहाँ आता है नेम और लोगो, लोगो जो भी आपको बताना है, जैसे मालूम मुकुल कंस्ट्रक्शन में कंपनी है तो मुकुल एंड लोगो वगैरह यूज कर रहा है, ग्राफिक्स वगैरह फॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें आप डाल सकते हो और आपको डायरेक्ट यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाएगा ये सारी चीज़ें। देन आता है, मेन आता है आपका आइटम, ठीक है, कि आप क्या क्या अपने रिपोर्ट में डालना चाहते हो। तो जो भी चीज़ें डालना चाहते हो इनपुट से डालना चाहते हो तो डाल दो, जो भी चीज़ आप आउटपुट से डालना चाहते हो, क्योंकि एनालिसिस हमारी हो नहीं रखी है तो आउटपुट का कोई रिजल्ट है नहीं। पिक्चर्स डालना चाहते हो पिक्चर डाल दो, तो जो चीज़ आप डालना चाहते हो आप यहाँ से सिंपल डाल सकते हो, ठीक है। देन आप इसको कर दो ओके, और आप जाते हो जब फाइल के अंदर, यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू रिपोर्ट आता है, तो एक बार अपना रिपोर्ट देखो मुकुल एंड केस आ जाएगा, इसी तरह लोगो वगैरह रहेगा तो लोगो वगैरह भी आ जाएगा आपका। तो जो भी चीज़ आपने डाली है नेक्स्ट पेज करते जाओ, सारा चीज़ आपको दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ आप अपने रिपोर्ट में डाल रहे हो, ठीक है। प्रिंट करने में सिंपल प्रिंट कर लो, ठीक है। तो ये था आपका सारा टूलबार्स का, ठीक है। This is our YouTube channel Gemini Architectural, and these are the videos. All videos, suppose you want to learn AutoCAD, Dialyze, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe to this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website japaneearchitectural.com, and these are the courses we provide training on these softwares